मुरली सिंह मेमोरियल शिक्षण संस्थान कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रही है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन आंशिक अवकलन बेसिकली निर्भर है अवकलन पर। फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। हमें फाइंड करना है डेल वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। डेल यानी पार्शियल, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट और एक वेरिएबल को लेके हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। छोटा सा एग्जांपल करते हैं कि इसमें एक्स को वेरिएबल लेते हैं और वाई को कांस्टेंट लेते हैं। ये पूरा फलन हमारा वाई फंक्शन है, एफ फंक्शन है, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यानी एक्स हमारा वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। डिफरेंशिएशन में बताया कि वाई का कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का जीरो हो गया और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, ठीक है। सेम इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई करें तो y वेरिएबल होगा और x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, y का हो गया 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल x और ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल y। इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। ये एक बेसिक कांसेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल आंशिक अवकलन के गुणांक का मतलब ये हो गया कि भाई चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक डेल जेड अपॉन डेल एक्स एफ एक्स से निरूपित करते हैं, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई, इनको आंशिक अवकलन गुणांक भी कहते हैं। कोफिशिएंट इनके अंदर कोफिशिएंट लगा दे तो वो आंशिक अवकलन गुणांक हो जाएंगे, ठीक है। उच्च कोटि के आंशिक अवकलन, उच्च कोटि का मतलब हायर ऑर्डर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल वाई और डेल एक्स, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब आपको बेसिकली ये तो पता लग गया होगा कि भाई आंशिक अवकलन को बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आंशिक अवकलन में क्या करना है, एक को कॉन्स्टेंट लेना है और एक को वेरिएबल लेना है, फिर उसका अवकलन करना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम आंशिक अवकलन के एग्जाम्पल। देखिए u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब इसमें x और y दोनों वेरिएबल है, हमें फाइंड करना है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी एक बार आप x को वेरिएबल ले लो और एक बार किसको ले लो, y को। फर्स्ट हम लेते हैं y को वेरिएबल, ठीक है। तो y को वेरिएबल ले रहे हैं तो u डॉट v वाला फॉर्मूला जो बेसिक आप जानते हो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेम इसी प्रकार फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये ध्यान रखना है कि जिसको हम वेरिएबल ले रहे हैं उसी का डिफरेंशिएशन होगा, जिसको हमने वेरिएबल नहीं लिया है वो कांस्टेंट काउंट होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। हमें पता है वाई वेरिएबल है तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y अपॉन x का हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि हमें पता है अभी मुझे करना हो, मान लो x अपॉन 3 का डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं क्या करूंगा, 1 बाई 3 करूंगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि x तो वेरिएबल है तो x का 1 हो गया और कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। सेम एज इट इज यहां पे y अपॉन x में एक तरह से y क्या है हमारा x है और x का मतलब 3 है, तो y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन x। फिर माइनस यहां y वेरिएबल है तो 2y tan इनवर्स x अपॉन y एज इट इज, फिर प्लस y स्क्वायर एज इट इज, इसमें वापस ये वाला प्रोसेस लग जाएगा। सेकंड स्टेप में आओ, इसको आप सिंपलीफाई करोगे, सिंपलीफाई करने का मतलब 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू 1 अपॉन x है, एक x स्क्वायर ऊपर जाएगा लेकिन इससे कैंसिल होगा तो x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा x क्यूब और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर यहां पे सॉल्व करोगे इसको तो ये बनेगा x y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, क्लियर होगी बात ये। और माइनस ये 2y अपॉन tan इनवर्स x अपॉन y एज इट इज रह जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इसमें से आप एलसीएम लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से रहा एक्स क्यूब यहां से रहा एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को आपने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स और माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई एच इट इज रह जाएगा।
अब हम x के साथ में एक अवकलन कर रहे हैं, x के साथ में एक अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 2y as it is, और यहां जब डिफरेंस क्योंकि 2y कांस्टेंट है तो ये as it is आ जाएगा, यहां 1/1 plus x upon y का होल स्क्वायर, और वही वाला सेम x का 1 हो जाएगा 1/y as it is आ जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये स्टेप आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। ठीक है,